हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल सबको शिक्षा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम डाटा साइंस इंजीनियरिंग की डाटा एनालिसिस विद पाइथन के टाइम डेल्टास के क्विज पे नज़र डालने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है टाइम डेल्टास में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर सपोर्टेड ऑन टाइम फ्रेम्स। इनमें से कौन से ऑपरेशन टाइम फ्रेम्स में सपोर्ट होते हैं? तो ऑप्शन वन है IDX मैक्स, ऑप्शन बी है IX मैक्स, ऑप्शन सी है IX मिनिमम, ना ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन अबव। तो उसका आंसर है IDX मैक्स। ऑपरेंड्स कैन ऑल्सो अपेयर इन रिवर्स ऑर्डर, ऑपरेंड्स कैन ऑल्सो अपेयर इन रिवर्स ऑर्डर, ऑपरेंड्स रिवर्स ऑर्डर में भी अपेयर हो सकते हैं। तो इसी तरह से इसका आंसर है IDX मैक्स। क्वेश्चन नंबर टू, पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट पॉइंट आउट करना है। ऑप्शन ए, टाइम डेल्टाज आर डिफरेंसेस इन टाइम्स एक्सप्रेस इन डिफरेंस यूनिट्स। ऑप्शन बी, यू कैन कंस्ट्रक्ट अ टाइम डेल्टा स्केलर थ्रू वेरियस आर्गूमेंट। ऑप्शन सी, डेट ऑफसेट्स कैन नॉट बी यूज इन कंस्ट्रक्शन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन अबव। इसका सही आंसर है टाइम डेल्टाज आर डिफरेंसेस इन टाइम्स एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंस यूनिट्स। टाइम डेल्टाज कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। टाइम डेल्टा पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, न्यूमेरिक रिडक्शन ऑपरेशन फॉर टाइम डेल्टाज 64 NS विल रिटर्न ब्लैंक ऑब्जेक्ट्स। न्यूमेरिक रिडक्शन जो होता है ऑपरेशन, न्यूमेरिक रिडक्शन ऑपरेशन टाइम डेल्टा के लिए, वो क्या रिटर्न करता है, कौन से ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है? तो ऑप्शन ए है टाइम सीरीज ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन बी है टाइम प्लस, ऑप्शन सी है टाइम डेल्टा, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन। तो उसका आंसर है टाइम डेल्टा। नैट आर स्किप्ड ड्यूरिंग इवैल्यूएशन, नैट आर स्किप्ड इन इवैल्यूएशन। तो नैट स्किप्ड होते हैं ड्यूरिंग इवैल्यूएशन के वक्त। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर्स कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फ्रिक्वेंसीज बायस टाइपिंग टू ए स्पेसिफिक टाइम डेल्टा टाइप। नीचे दिए गए में से कौन से स्केलर्स फाइंड, और नीचे दिए गए में से एक स्केलर फाइंड करना है जो कन्वर्ट कर सकता है अदर फ्रिक्वेंसीज को बाय एज ए टाइपिंग टू ए स्पेसिफिक टाइम डेल्टा टाइप, बाय एज ए टाइम टू ए स्पेसिफिक टाइम डेल्टा टाइप। तो उसके ऑप्शन है टाइम डेल्टा सीरीज, टाइम डेल्टा इंडेक्स, टाइम डेल्टा ऑल ऑफ द मेंशन। तो उसका सही आंसर है ऑल ऑफ द मेंशन। दिस ऑपरेशन इल सीरीज एंड प्रोपागेट NAT स्लैश ग्रेटर देन NAN। क्वेश्चन नंबर फाइव, पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट पॉइंट आउट करना है। ऑप्शन है मिनिमम मैक्स IDX मिनिमम IDX मैक्स ऑपरेशन आर सपोर्टेड ऑन सीरीज। ऑप्शन बी, यू कैन नॉट पास अ टाइम डेल्टा टू गेट ए पर्टिकुलर वैल्यू। ऑप्शन सी, डिवीजन बाय द नंबर स्केलर इज ट्रू डिवीजन, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यू कैन नॉट पास ए टाइम डेल्टा टू गेट ए पर्टिकुलर वैल्यू, क्योंकि बाकी सब सही है। मिनिमम मैक्स IDX मिनिमम IDX मैक्स ऑपरेशन जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं सीरीज को, और डिवीजन बाय द नंबर स्केलर इज ट्रू डिवीजन, जो डिवीजन नंबर स्केलर से होता है वो ट्रू डिवीजन होता है। तो गलत ये है कि यू कैन नॉट पास अ टाइम डेल्टा टू गेट अ पर्टिकुलर, तो ये है कि यू कैन पास अ टाइम डेल्टा टू गेट अ पर्टिकुलर वैल्यू। डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग अ टाइम डेल्टा 64 NS सीरीज बाय एन इंटीजर और इंटीजर सीरीज यील्ड्स अनदर टाइम डेल्टा 64 NS डी टाइप सीरीज। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू जनरेट एन इंडेक्स विद टाइम डेल्टा। तो नीचे दिए गए में से कौन सा कौन सी बात हम यूज़ करते हैं जिससे हम जनरेट एन इंडेक्स विद टाइम डेल्टा, टाइम एक इंडेक्स जनरेट करते हैं टाइम डेल्टा के साथ। तो ऑप्शन ए टाइम इंडेक्स, ऑप्शन बी टाइम डेल्टा इंडेक्स, ऑप्शन सी एल डी इंडेक्स, ऑप्शन फोर्थ नाम तो मेंशन अबो। तो उसका सही आंसर है टाइम डेल्टा इंडेक्स। यूजिंग टाइम डेल्टा इंडेक्स यू कैन पास स्ट्रिंग लाइक टाइम डेल्टा और np.timedelta 64 ऑब्जेक्ट्स। तो इसी तरह से सिक्स क्वेश्चन खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर सेवन, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम डेल्टा इंडेक्स विथ टाइम डेट टाइम इंडेक्स अलो सर्टन कॉम्बिनेशन ऑपरेशन दैट आर NAT प्रिजर्विंग।
तो ये सही है या गलत है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम डेल्टा इंडेक्स विद डाटा टाइम इंडेक्स अलाउ सर्टन कॉम्बिनेशन ऑपरेशंस दैट आर रेडी टू प्रेजेंट, तो वो सही है। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इंडाइसेस टू यूज अनदर इंडेक्स। तो इसके साथ एडिशनल ये भी है कि यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इंडाइसेस, मतलब इंडेक्सेस आप इंडाइसेस यील्ड कर सकते हो अनदर इंडेक्स से। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग ब्लैंक ऑन कैटेगोरियल डाटा विल प्रोड्यूस सिमिलर आउटपुट टू ए सीरीज और डाटा फ्रेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग। यूजिंग ब्लैंक ऑन कैटेगोरियल डाटा विल प्रोड्यूस सिमिलर आउटपुट टू ए सीरीज और डाटा फ्रेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो कौन सा किसका यूज़ किया जाता है नीचे दिए गए में से, जिससे कैटेगोरियल डाटा विल प्रोड्यूस होता है सिमिलर आउटपुट टू ए सीरीज और डाटा फ्रेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो ऑप्शन ए डॉट डी एस सी डिस्क्राइब सिंगल कोट कंप्लीट सिंपल ब्रैकेट कंप्लीट डॉट डिस्क्राइब फुल फॉर्म डी एस सी आर आई बी ब्रैकेट कंप्लीट डॉट रैंक ब्रैकेट कंप्लीट नन ऑफ द मेंशन अबो। तो उसका सही आंसर है डॉट डिस्क्राइब। कैटेगरी डाटा हैज ए कैटेगरीज एंड ए ऑर्डर प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू रीनेम कैटेगोरिकल डाटा। तो नीचे दिए गए में से कौन सी मेथड यूज़ करते हैं कैटेगोरियल डाटा रीनेम करने के लिए? तो ऑप्शन ए है कैटेगोरियल डॉट रीनेम लोअर केस कैटेगरीज सिंपल ब्रैकेट कंप्लीट। ऑप्शन बी है कैटेगोरिकल डॉट रीनेम सिंपल ब्रैकेट कंप्लीट। सी कैटेगोरिकल डॉट एम वी लोअर केस कैटेगरीज सिंपल ब्रैकेट कंप्लीट। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द मेंशन। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैटेगोरिकल डॉट रीनेम लोअर केस कैटेगरीज। रीनेमिंग कैटेगरीज इज डन बाय असाइनिंग न्यू वैल्यूज टू द सीरीज डॉट कैट डॉट कैटेगरीज प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है कैटेगोरिकल डॉट रीनेम लोअर केस सजेशंस। ऑल टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल डाटा आर आइदर इन कैटेगरीज और एन पी डॉट नैन। तो जो ऑल वैल्यूज़ होती हैं कैटेगोरियल डाटा की वो कहाँ पे होती है कैटेगरीज, और वो आइदर इन कैटेगरीज और एन पी डॉट नैन इन दोनों में से कहीं पे तो होती है। तो ट्रू है कि फॉल्स है, वो है ट्रू। कैटेगोरिकल्स आर पांडास डाटा टाइप। कैटेगोरिकल्स क्या होते हैं? तो ये पांडास डाटा टाइप होते हैं जो कैटेगरीज और एन पी डॉट नैन में रहते हैं। तो इसी तरह से हमने डाटा साइंस इंजीनियरिंग क्या डाटा साइंस डाटा एनालिसिस पाइथन का टाइम डेल्टास कंप्लीट कर लिया है। टाइम डेल्टा से क्यूज कंप्लीट हो चुके हैं अब। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह से नया कंटेंट हम लाते रहेंगे, नए तरीके क्वेश्चन हम लाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।